हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन में आपको इंट्राडे में स्टॉक कैसे बाय करना है। मैं पहले ही बता देता हूँ, इंट्राडे का जो टाइमिंग होता है वो 9:15 से लेके 3:30 तक होता है। और इंट्राडे में जब भी आप ट्रेडिंग करो तो आपको एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक को बाय करना है। मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बाइंग करनी है। मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है, रैंडम मैं स्टॉक आपको बाय करके दिखा रहा हूँ। लेकिन आप ये गलती मत करना क्योंकि ये रिस्की होता है। मैं एजुकेशनल पर्पस आपको कुछ स्टॉक यहाँ पे बाय करके दिखा रहा हूँ इंट्राडे में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो जो स्टॉक आपको बाय करना है वो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक वॉच लिस्ट यहाँ पे बनाई है। अंबुजा सीमेंट, टाटा केमिकल, टाटा पावर और टाटा मोटर जैसे स्टॉक मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मुझे आज टाटा मोटर का स्टॉक खरीदना है। तो मैं स्टॉक के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई देता है। चार्ट को आप यहाँ पे कैंडलस्टिक भी कर सकते हो। कैंडलस्टिक करने के बाद आपको लाइन के बजाय यहाँ पे कैंडलस्टिक जो है वो दिखाई देगी। डेली चार्ट है यहाँ पे, तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा भी सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो। और मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि एनालिसिस के बाद ही इंट्राडे में स्टॉक यहाँ पे आप बाय करें। तो जैसे कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है तो मैं यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। ये चार्ट देख के भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं या फिर पीछे अगर आप जाओगे तो समरी में यहाँ का बाय का बटन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। ये वाली स्क्रीन आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है। फिलहाल तो डिलीवरी सिलेक्ट है, आपको यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे बैलेंस दिखाई देगा, आपका जो भी अकाउंट में बैलेंस है वो दिखाई देगा, और मार्जिन आपको कितना मिलेगा। इंट्राडे करने के लिए आपको मार्जिन मिल जाता है, तो 5x का मार्जिन मिल जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक ले सकता हूँ अगर मेरे पास कम पैसे है तो। तो अगर मैं एक स्टॉक यहाँ पे बाय करूँगा तो देखते हैं कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो अगर मैं एक स्टॉक बाय करता हूँ सिर्फ 91 रुपीज़ यहाँ पे मुझे देने पड़ रहे हैं, 485 रुपीज़ मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे 5 स्टॉक बाय करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको ये करना है, यहाँ पे 5 स्टॉक कर देने हैं और उसके बाद आपको सिंपली इस बाय बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे बाय करोगे आपका बाय ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। टाटा मोटर के हमने 5 स्टॉक यहाँ पे इंट्राडे में बाय कर लिया है। आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, यानी कि सेल करके बाद में स्टॉक नीचे आने के बाद भी बाय कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 स्टॉक हमने खरीदे हैं, कुछ 75 पैसे का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो रहा है, 1.5 रुपये तक का प्रॉफिट चला गया है। अगर आपको इंट्राडे की पोजीशन से बाहर निकलना है यानी कि आपको ये सेल करना है तो सिंपली स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देना है और एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एग्जिट करते ही आप इस पोजीशन से निकल जाओगे और जो भी आपका प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी आप यहां से निकल सकते हो। सो बेसिक बहुत ही इजी तरीके से आप इंट्राडे पोजीशन ले सकते हो। इजी है पोजीशन लेना, लेकिन एनालिसिस करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो एनालिसिस के बिना कोई भी स्टॉक मत खरीदे। जैसे मैंने रैंडम स्टॉक खरीदा है वैसे कभी मत कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो तक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।